नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आपकी सरकार आपके द्वार मध्य प्रदेश शासन के एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत 19 जनवरी को विदिशा जिले के तहसील पठारी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विदिशा जिले के प्रभारी मंत्री हर्ष यादव और उपस्थित थे पूर्व विधायक निशंक जैन, अरुणोदय चौबे और सुभाष बोहत। साथ ही साथ कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित शासन प्रशासन के आला अफसरों की मौजूदगी में ग्रामीणों की समस्याओं को सुना गया और यथायोचित समाधान करने का प्रयास किया गया। इस शिविर में 232 आवेदन प्राप्त हुए। वहीं रोजगार मेला में 170 बेरोजगार युवाओं ने साक्षात्कार दिया, जिसमें से 158 युवाओं को चयनित कर लिया गया। 44 दिव्यांगों को दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किए गए। शिविर में सभी विभागों के स्टॉल लगाए गए थे, जिससे मध्य प्रदेश शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए विभाग द्वारा बनाए गए कार्य योजना से अवगत भी कराया गया। प्रभारी मंत्री ने कमलनाथ सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए बताया कि 365 दिनों में 365 वचनों को पूरा करने की नींव रखने का काम सरकार के द्वारा किया गया है। कार्यक्रम के पश्चात श्री दिगंबर जैन मंदिर में पहुंचकर जैन मुनि अभय सागर जी महाराज को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया गया। जैन समुदाय की महिलाओं ने गौशाला की मांग करते हुए आंगनबाड़ी केंद्र में वितरण होने वाले अंडे का विरोध जताया, जिसके पश्चात कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष यासवेद सिंह यादव के निवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चाय पर चर्चा करते हुए तथा फार्म चौराहे पर आशीष जैन समस्त मित्र मंडली के द्वारा हर्ष यादव का भव्य स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम के अवसर पर क्षेत्र से जुड़े हुए युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया गया तथा जिन समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सका उनके लिए यथाउचित आश्वासन की कार्रवाई की गई। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेली की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। जो पंजीयन का काउंटर है वहीं पर जो हमारे साथी है उनको इसकी क्या है, अभी लोग ज्ञापन देने खड़े हैं वहाँ पर, है क्या मामला? एक्चुअली सर, जो बांध की हमारे 426.5 मीटर है, जिससे कि लगभग 4100 है, उनकी मांग ये है कि हाइट कम कर दीजिए, सिर्फ क्षेत्र कम कर दिया। कितने गाँव प्रभावित हो गए थे सर? इससे टोटल 59 है, जैसे 29 सागर के, 30 सागर के हैं, 29 मेरी सागर के। अच्छा, घना तो बिना बांध बिना जी बना हुआ जी। होने वाली श्रृंखला के तहत आपकी सरकार आपके कार्यक्रम पठारी के मुख्य अतिथि और बुंदेलखंड के शेर, बुंदेलखंड की माटी के सपूत और हमारे प्रभारी मंत्री भाई हर्ष यादव जी, बस एक नाम और लूंगा क्योंकि वो भी हमारे मेहमान है, पड़ोस के बहुत ही जुझारू और दमदार नेता और पूर्व विधायक आदरणीय भाई साहब अरुणोदय चौबे जी, सम्मानीय मंच, ठीक है भैया मानी, और यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़े हमारे जुझारू साथी भाई सुभाष बोहत जी और स्थानीय सरपंच देवेंद्र भाई। मैं बात की शुरुआत करूं तो से हमारी सरकार बनी है, आप उठा के देख लीजिए, ये हमारी न्यूज नहीं है, ये दिल्ली की न्यूज है कि मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। कल ही मैंने, आज सुबह ही मैंने देखा कि जैसे गुजरात का नाम लिया जाता था कि सुशासन वाला प्रदेश कौन सा? गुजरात। द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।